समाजवादी लोहिया वाहिनी द्वारा पदाधिकारियों की नियुक्ति किए जाने पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में मनोनीत किए गए पदाधिकारियों ने समाजवादी पार्टी को मजबूत करने पर बल दिया। रविवार को समाजवादी लोहिया वाहिनी द्वारा एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। शहर के लाजपत नगर में आयोजित पत्रकार वार्ता में समाजवादी लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष लोकेश कुमार और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। यहां पत्रकारों को जानकारी दी गई कि पार्टी के नेतृत्व द्वारा 3 युवाओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें राज पंडित को जिला महासचिव, मेघश्याम शर्मा को जिला उपाध्यक्ष और विजय कुमार गुप्ता को जिला कोषाध्यक्ष मनोनीत किया है। इस दौरान हुई बातचीत में जिलाध्यक्ष समेत मनोनीत किए गए पदाधिकारियों ने आगामी 2022 के चुनावों के लिए पार्टी को मजबूत करने की बात कही। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी के आदेश पर आज मथुरा जिला महासचिव नियुक्त किया जाता है और एक जिला उपाध्यक्ष, एक जिला सचिव, एक कोषाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है और हमारी समाजवादी पार्टी प्रदेश में जो विकास की गंगा बहाई थी और जो भाजपा सरकार आज तक एक भी काम नहीं कर पाई है, समाजवादी पार्टी ने विद्याधन, कन्या विद्याधन योजना, लैपटॉप वितरण, 40,000 लैपटॉप, महिलाओं पेंशन योजना, चिकित्सालय, एम्बुलेंस सेवा, 100 नंबर सेवा, समाजवादी पार्टी ने अनेकों काम किए। भाजपा का आप एक भी काम नहीं करा सकते। भाजपा सरकार एक केवल हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति कर रही है। ना जाने ये कौन सी कुंभकर्ण की नींद में ये सरकार सो रही है और ये सरकार को अब अंत समय आ चुका है। अब 2022 में समाजवादी पार्टी की बहुमत की सरकार बनने जा रही है और सभी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को जोर शोर से समाजवादी पार्टी की संगठन को मजबूत करने पर जुटी हुई है और समाजवादी पार्टी सरकार बनाने में कामयाब होगी। राज पांडे जी को समाजवादी लोहिया वाहिनी का महासचिव के पद पर नियुक्ति हुई है, मैं इनको बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देता हूं और आशा करते हैं कि ये आदरणीय अखिलेश यादव जी की रीति नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और पार्टी को, लोहिया वाहिनी को जनपद में मजबूत करेंगे और आने वाले समय में अखिलेश यादव जी की सरकार बनाने का काम करेंगे और मुख्यमंत्री बनाने का उनको काम करेंगे। जनता इस समय त्रस्त है, आए दिन लूट, हत्या, बलात्कार इस प्रदेश में चरम सीमा पर है।